ठीक ठीक अस्तफुल्लाहु रब्बी व तुबो अलैहि इल्तमास दुआ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 रहमान अल्लाह रहीम अल्लाह सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज्जत उजमत का वास्ता करके करबलालियां दी अजीम कुरबानी का सदका बहत्तर शहदा का सदका करके सवा लख नबियां दी मेहनत का सदका मजलूमे करबला दियाँ तेरह जरबा का सदका करके फिर अल्लाबानियान का सफ़े अज़ाब छाया अपने दरबार च मंजूर ते मकबूल फरमा मालिक अल्लाह जिक्र दा सदका इस घर में जितनिया तकलीफा मुसीबतां ने दूर फरमा इस घर दे इस खानदान दे जितने अज़ादार मोमन मवाली दुनिया तो रहलत कर गए ने जन्नतुल फरदोस मकाम अता फरमा मेरे अल्लाह शहज़ादे अमन दे दस्तरहान दा वास्ता करके मेरे मालिक भाई जान दे रिज़क इज्जत और बख्श अजाफा फरमा मजलूम करबला दे अज़ादार दूर दूर तू चल के आए ने जो जो भी नेक ख्वाहिश हाथ लाए के आए ने अपने दरबार च मंजूर ते मकबूल फरमा मुहम्मद वाले मुहम्मद की इज्जत व अज़मत दा वास्ता करके मेरे मालिक जो लोग बे औलादिन औलादे नरी नता फरमा जो लोग तंग दस्त ने रिजक च अजाफा फरमा जो लोग परेशान हाल इन परेशानियाँ दूर फरमा मालिक अल्लाह जिक्र दा सदका अज़ादारां दे वेड़े वसन अज़ादारां दी खैर होवे अज़ादारां दी नस्ल च अज़ादारी नूं मुंतकिल फरमा रहमान अल्लाह रहीम अल्लाह जो लोग हजो ज़ियारात दा शौक रखते ने पूरा फरमा खसूसन मुसाफरा शाम दी कबर दी ज़ियारत नसीब फरमा मेरे अल्लाह वास्ते ही अपनी इज्जत व अज़मत दा सवा लख नबियां दी मेहनत दा सदका मोमन मवाली लापता ने सैयद बजात हैदर शाहज़ेब हैदर हसनैन हैदर मेरे मुर्शद अली बादशाह दीदी दियाँ दे सफरां दा सदका करके मालिक अल्लाह जल्द अज जल्द उन्हां दा राबता करवा रहमान अल्लाह रहीम अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद ही इज्जत व अजमन दा वास्ता करके सवा लख नबियां दी मेहनत दा सदका बहत्तर शहदा दा सदका करके मेरे मालिक एक मोमन मवाली परेशान हाले मालिक उहदी परेशानी दूर फरमा मेरे अल्लाह मेरे जुम्मे जितनियां दुआवां लगियां ने मुस्तजाब फरमा मेरे अल्लाह जो लोग बेगुनाह कह दिन रहाई दी खबर अता फरमा रहमान अल्लाह रहीम अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद दी इज्जत व अजमत दा वास्ता करके साढ़े बार में हादी रानमा दा जहूर जल्द अज जल्द फरमा अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी हुसैनियत यजीदियत अहले बैत दुश्मना दलानत सलवात बुलंद आवाज नाल पढ़ो जी अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद मजलिस की मकबूलियत वास्ते बुलंद आवाज नाल सलवात पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद बीमारां दी सेहतयाबी वास्ते बुलंद आवाज नाल सलवात पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मेरा घर बानी दी असीयत नाल हाजरी जिक्र दा सदका भाई जान दी तौफीका च मालक अजाफा फरमा इतना रिज़्क़ अता कर के सारा साल मजलूमे करबला दा जिक्र करा सकन मेरे नहायत ही वाजिब उल कदर सादातो गैरे सादात मजमा मौला दे मातमी जंजीर जन तशरीफ फरमाओ जनाब दी इजाज़त है मैं जिक्र पाक शुरू करा माशाल्लाह वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियल अज़ीम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا الحمد لله رب العالمين والله عقبات للمتقين
वल जन्नतो लिल मोमिनीन वल नारो लिल मुनाफिकीन सलातु व सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सलवा। अम्मा बादो फकत काल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन सलवा। बेनियाज बादशाह इस पाक आजाद एक एक कदम चल के आया मंजूर ते मकबूल फरमावन वो घर वो शहर वो बस्तियां हमेशा आबाद ते शाद रहन जिथा मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र पाक होंदा है। जिक्र दा सदका बानिया ने मजलस दी मेरे अल्लाह तौफीका च अजाफा फरमा हाजरी ने मजलस दी हर दुआ मुस्तजाब फरमा बल्क अल्लाह वो वेड़े वसन जिथे मजलूमे करबला का जिक्र पाक होंदा है। सलवात बुलंद आवाज नाल पढ़ो जी अल्लाहुम्मा सल्ले अला मेरे राह दी वाजिबुल कदर सादात वगैरह सादात मजमा मौला दे मातमी जंजीर जन तशरीफ फरमाओ। जनाब दी इजाजत है एक जुमला फजीलत आले मोहम्मद दा जनाब तक पुछावा जी मेहरबानी। अल्लाह दी कायनात च एक ऐसा मुकाम मौजूद है जिहड़ा ज़ाहिरन ज़मीन है लेकिन हकीकत दे विच ओ जन्नत दा हिस्सा है। मेहरबानी जी मेहरबानी जुमला फिर दोहरा रहे मेहरबानी सही ज़्यादा फरमा जुमला फिर दोहरा रहे मेरे नहायत ही वाजिबुल कदर सदात वगैरह सदात दा मजमा। अल्लाह दी कायनात च एक ऐसा मुकाम मौजूद है जिहड़ा ज़ाहिरन ज़मीन है लेकिन हकीकत दे विच ओ जन्नत दा हिस्सा है। उहदे विच मैं तुसी नहीं सवा लख नबी रहण वास्ते तरस रहा है और उसका नाम है करबला मौला। मेहरबानी जी मेहरबानी जी जिंदगी दराज उसका नाम है भाई जान करबला मौला। शाहबाज सख्ती बाबा जी ईरान एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे इन्हों का दरबार लगिया होया तौहीद रसालत की महफल जारी दरम्यान दे विच चाचा जी एक बंदा उठाया असाई मजहब के नाल भाई जान तलक दे कहिंदे पुछो मेरे को जो पूछना चाहते हो मैं गैब का इलम जानदा। एक गल करके बाबा जी कुर्सी पर बैठे उस जगह पर अलामा सैयद मोहसिन तशरीफ फरमा उन्हें अपनी जेब में हाथ पाया भाई जान सजदे गा मुठ च बंद करके असाई आलम वाले पास डेग के फरमाए ओ असाई आलम जमीन और आसमान दी गल्लां दसन आलिया दस मेरी मुठ च केड़ी शाय है। क्या कहने जी क्या कहने जी मेहरबानी जी सलाम अदादारा जी मेहरबानी मेहरबानी इतना बड़ा दावा किया दस मेरी मुठ च केड़ी शाय है। भाई जान असाई आलम खामोश बिस्मिल्लाह करा परेशान हो गया चेहरे के तेवर बदल गए पई नगा लामा मोहसिन दी फरमाई इतना बड़ा दावा किया पुछो मेरे को जो पूछना चाहते हो मैं गैब का इलम जानदा दस मेरी मुठ च केड़ी शाये परेशान क्यों हो गए तेरे चेहरे के तेवर क्यों बदल गए दे कहिंदा लामा मोहसिन मैनू पता तो लग गया तेरी मुठ च केड़ी शाये हैरान इस गल तो हाँ परेशान इस गल तो हाँ कि शाये जन्नत दी तेरी मुठ च आ किवें गई है। क्या कहने क्या कहने सलाम हर अज़ादार नू जी मातमी नू सलाम मेहरबानी बुजुर्गों की जिंदगी हो जी जी मेहरबानी शाये जन्नत दी भाई जान शाये जन्नत दी तेरी मुठ च आ किवें गई कोई गल नहीं शाये जन्नत दी तेरी मुठ च आ किवें गई उस वेले लामा मोहसिन दस्या हुण दस तेरा मजहब सच्चा या हुसैन बादशाह दा। क्या कहने जी तेरा मजहब सच्चा है या हुसैन बादशाह दा अंदर मन्ना दा तां कोई गल नहीं कोई गल नहीं तुसी कर दियो पखा उन्हां वाले पासे कर दियो पखा करो जी बुजुर्गों वाले पासे अल्लाह हू अकबर दोवे हाथ बुलंद करके हैदरी जी मेहरबानी जी मेहरबानी उन्हें फरमाया जी तारफ करा मन्ना ना तां पहले तारफ करा लामा मोहसिन जिहड़ा तारफ कराया डे कहने जन्नत दी एक ब्रांच है जिसका नाम है करबला हुसैन बादशाह दी जगीर दी मिट्टी मेरी मुठ विच जी मेहरबानी हुसैन बादशाह दी जगीर दी बाबा जी हुसैन बादशाह दी जगीर दी मिट्टी मेरी मुठ विच उस वेले डे कहिंदे हुण ही मैनू कलमा पढ़ा हुण ही मैनू कलमा पढ़ा मेरे नहायत ही वाजिबुल कदर सादात वगैरह सादात दा मजमा
आज दी अजीम मतलब दसना चाहना करबला दी जमीन जन्नत च शामिल किदों होना है। रोजे माशर आवाज़े कुदरत असी फरिश्तियां मेरी जन्नत मुकम्मल करो आवाज़ असी मालक अठे जनता मुकम्मल खड़ी हैं। फरमाए नहीं जिदा मैं जमीन तुहाडे हवाले कीती आई उदो वजन ज्यादा हुण कम किवें। आवाज़ असी मालक दस मुहर्रम 61 हिजरी हुसैन बादशाह की शहादत तक हर नबी हर वली इत्थे आए, हर नबी हर वली मिट्टी चावन की कोशिश की। असा हुसैन दे चौकीदार, असा ना आदम नु चावन दिती ना ईसा नु चावन दिती। तू बोल या ना बोल तेरी अपनी मर्जी, जिंदगी दा राज होवे। मेहरबानी सही ज्यादा फरमाए ना ईसा नु चावन दिती ना मूसा नु चावन दिती। आवाज असी तुसा चावन ते नहीं दिती लेकिन वजन घटिया किवें। आवाज असी मालक दस मुहर्रम 61 हिजरी हुसैन बादशाह की शहादत तो बाद उन्हां जवारां दी आमद हुई जिंदे बारे मेरे मुर्शिद हुसैन आख्या मेरे मेहमान हैं। मेहरबानी जी फरमाए उन्हां जवारां दी आमद हुई जिंदे बारे मेरे मुर्शिद हुसैन आख्या ये मेरे मेहमान हैं। जिंदगी दराज हो यही रूहानियत है। किस वास्ते चाहिए मालक? किसे चाहिए तस्बी बनावन वास्ते? किसे खाक चाहिए सजदा गाह? मेहरबानी मातमी जिंदगी दराज हो सजदा गाह बनावन वास्ते। किसे खाक चाहिए मैयत दे कफन च रखने वास्ते? हुसैनी चेहरे तशरीफ फरमाओ भाई, मेहरबानी फरमाए। किसे बारी खाक चाहिए मैयत दे कफन च रखने वास्ते ताकि अल्लाह मिट्टी दा हया करके बंदे दे गुनाह माफ कर छोड़े। ओ दुनिया दा मुसलमान, जिस हुसैन बादशाह दी मिट्टी दा इतना बड़ा मुकाम, अल्लाह जाने हुसैन बादशाह दा मुकाम क्या हो सी। आवाज असी होर वजन किवें घटियाए? मालिक कुछ ऐसे जवार आइन जिन्हें खाक चाहिए ना तस्बी बनावन वास्ते, ना सजदा गाह बनावन वास्ते, ना मैयत दे कफन रखन वास्ते। फरमाए किस वास्ते वजन घटियाए? मालिक कुछ ऐसे जवार आइन उन्हें खाक चाहिए बच्चे नु गुट्टी देवन वास्ते। हर अज़ादार नु सलाम जी, मेहरबानी। बच्चे नु गुट्टी देवन वास्ते तेरे ते मेरे छेवें बादशाह दा फरमान है जिदा बच्चा दुनिया ते आवे पहली गज़ा दी खाके शफा, कन विच आवाज पवे अली उन वली उल्ला दी। पहली गजा दियो खाके शफा भाई जान, कन विच आवाज पवे अली उन वली उल्ला दी। बादशाह फरमाए जब तक जिंदा है ओदे रिस्क दे भी 14 दामन, ओंदी सेहत दे भी 14 दामन। मेहरबानी फरमाए जी, मेहरबानी फरमाए। करबला जी, मेहरबानी सही साहब। करबला दरसे तलीम है, करबला दरसे जिंदगी है। जिस वेले बंदा करबला जांदा है ना भाई जान, उत्थे जाके पता लगता है बंदे नूं सुबह दी नमाज किवें होनी चाहिए। मेहरबानी जी, मगरब और इशा दी बाजी नमाज किवें होनी चाहिए? क्यों? एक पासे 9 लाख, मेहरबानी जी, एक पासे 72 बाजी 9 लाख नूं लड़ाया गया 72 दे नाल। एक पासे पानी, एक पासे प्यास। अल्लाह दी कैनात च वाहिद फैसला है, पानी हार गया है, प्यास जित गई है। जी मेहरबानी, करबला आईना हयात है, आईना मैंने शीशा, हयात मैंने जिंदगी। जिहड़ा बंदा करबला नवाबे करबला दी जरी छुमांदा है, जी मेहरबानी, जिस अख विच हुसैन बादशाह दे गम विच आंसू आवे उस अख विच बावरी बेहयाई नहीं होनी चाहिए। जिस दिल विच हुसैन बादशाह दी मुहब्बत होवे उस दिल विच मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। जिहड़ा सर हुसैन इब्ने अली दे सामने झुके वो किसी मुनाफक दे सामने नहीं झुकना चाहिए। बड़े बड़े कदीमी आजादार तशरीफ फरमा, अज तक बरसगीर दे विच तुसां को मैल से आजाद है बाबा जी टाइटल वेख्या होवे, इश्तिहारात वगैरह पब्लिसिटी वास्ते बनते हैं, किसी भी लिखिया हो इश्तिहार दे विच मजलस ए आदम लै सलाम, मजलस ए नूह लै सलाम, अज तक तुसां वेख्या होवे मजलस ए सुलमान लै सलाम, जितने भी इश्तिहार ने पब्लिसिटी वास्ते लिखे होंगे मजलस ए हुसैन लै सलाम, मजलस ए हुसैन लै सलाम जिक्र आदम नबी दा हो रहे, मजलस ए हुसैन लै सलाम जिक्र मूसा नबी दा हो रहे, मजलस ए हुसैन लै सलाम जिक्र सुलमान पैगंबर दा हो रहे। बाबू जी सारे अंबिया करबला नवाबे करबला दी जरी ते जाके शुक्रिया अदा कर दें। मौला तेरा शुक्रिया अदा करना है, अगर तू कुर्बानी ना देंदा तेरे अजादार ना आंदे साडा कोई ना ही ना चाहता। मेहरबानी जी, जिंदगी दराज होवे। बड़े बड़े अजादार तशरीफ फरमाओ मेरे सामने, जाहिर तशरीफ फरमा ने। बाबू जी तो पुराना दौर सी, कोई किसी पिंड चो जाहिर ने जाना, लोगों ने इकट्ठिया आना, उन दूर सड़क तक छोड़ के जाना। जो ही जाहिर ने आना चाहे छोटा होना उम्र तो, जाहिर इस्तकबाल वास्ते जाना, हाथ में तस्बी सिर च टोपी, हर वेले मालकां दा जिक्र होना फरमा। बड़ा पुराना दौर, अज तो बड़ी आसानी होगी जान लिया टिकट लैके रिटर्न टिकट लैके जाना है। मुतवक्कल लाइन का दौर आई बाबा जी, इसने ऐलान किया अल्लाह लानत होवे जिस बंदे जवारी ते जाना है उसके हाथ नूं कटाओ। जो ही ऐलान होया मुतवक्कल दे मशीद पई नगाह, फरमाया हाँ दस कितने जवारे? उन्हें क्या तेरी बोले
ਜ਼ਵਾਰ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਕਸਾਈ ਥੋੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਮਾਤਮੀਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜ਼ਵਾਰ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਕਸਾਈ ਥੋੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਈਜਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਇੱਕ ਪੈਰ ਕਟਾਓ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸਾ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਜ਼ਵਾਰ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਕਸਾਈ ਥੋੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈਨ ਇਬਨ ਲਈਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਸਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਸੱਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦੀ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਾਕ ਦਾ ਖਾਲਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦਾ ਜ਼ਵਾਰ ਬਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸੱਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਆਈ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮਤਵੱਕਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਵਾਰੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦਾ ਸਰ ਤੂੰ ਜੁਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਵਾਰੀ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਦਮ ਚੁੰਮੇ, ਅੰਮਾ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ। ਅੰਮਾ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋਈ? ਮਾਂ ਮਤਵੱਕਲ ਲਈ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਵਾਰੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ ਸਰ ਤਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਵਾਰੀ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੀਏ, ਤੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਸਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਜਾ ਸੀ? ਫਰਮਾਏ, ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਨਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਲਈਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਆਇਓ? ਜ਼ਵਾਰੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ ਸਰ ਤਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਵਾਰੀ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਬੁਰਕੇ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਫਰਮਾਏ ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਰ ਤਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ। ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਫਰਮਾਏ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਸਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵੀ ਹਸਰਤ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਹਸਰਤ? ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹੋ ਸੀ ਤੇਰਾ ਸਰ ਤਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸਰ ਤਨ ਤੋਂ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸਰ ਤਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ। ਰੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰਬਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਆਂਦੀ, ਲੱਬੈਕ ਯਾ ਹੁਸੈਨ, ਲੱਬੈਕ ਯਾ ਹੁਸੈਨ। ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਨਵਾਬੇ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਆਏ, ਹੱਥ ਪਾ ਗਿਆ ਨੀ, ਮੌਲਾ ਤੇਰੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਮਾਨ, ਮੌਲਾ ਤੇਰੇ ਅਸਗਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਮਾਨ, ਮੌਲਾ ਤੇਰੇ ਅਬਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਮਾਨ, ਮੌਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਮਾਨ। ਮੌਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੀ ਆਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਮਾਤਮੀਆਂ ਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਮੌਲਾ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀਤੀ? ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ, ਆਮ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਲੀਸਗਰ ਦਾ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਸੈਯਦਾਂ ਤੇਰੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਮੌਲਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੀਵੀ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਰੱਲੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪਿਓ ਕੁਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਲਮਾਲ ਅਲਮਾਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸੈਯਦਾਦੇ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਬਖਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ, ਇਤਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਅਤਾ ਕਰੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਜ਼ਲੂਮੇ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਵਸਦਾ ਵੇਲਾ ਵਾਦੀ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦਾ ਵਸਦਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਵਾ ਮੰਗੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਤ ਲੱਗ ਜਾਵਣ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ੁਰੈਰ ਦਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਯਦ ਸਜਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਵਾ ਮੰਗਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਤ ਲੱਗ ਜਾਵਣ। ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ੁਰੈਰ ਦਵਾ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਮੌਲਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਅੱਖਾਂ ਵਸ ਪਈਆਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਾਂ ਕੈਦੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਵੇਖੀ। ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ, ਹਏ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਦੋ ਬਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰੇ ਵੇਖਣੋ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਿਸਮੀ ਲੱਗਰ ਆ। ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਾਂ ਕੈਦੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਵੇਖੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੌਲਾ ਕੈਦੀ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਹਰ ਕੈਦੀ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ ਵਤਨ ਸਨ 59 ਹਿਜਰੀ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਸਲਾਮ ਬਾਈਜਨ ਕਰਕੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਚੂੰ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਦੇ ਕਦਮ ਛੁੰਮਾਂ ਵਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਕੀ, ਤਵੀਲ ਸਫ਼ਰ, ਰਾਜ਼ੀ ਰਮੀ ਸਿਕਮ ਸਿਵੀਰ, ਮੌਲਾ ਤੇਰੇ ਬਖਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ, ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ, ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਮੰਗੀ ਸੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਲੀ ਦੀ ਫਰਮਾਇਆ ਅਤਕਾ ਤੋਂ ਟੁਰ ਵੰਜਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ,
भी की आखना चाहते हो? बंद कमरा अली दीदी सर तू चादर लहा के वाल खोल के फरमायात का मेनु गौर दे नाल वेख मता कदी मैं तेरे शहर विच आवां मेनु सुजान न सके रोला जिंदगी दा कोई पता नहीं मैं बिस्मिल्लाह करा अली दीदी वाल खोल के चादर लहा के फरमाया मेनु गौर दे नाल वेख मता कदी मैं तेरे शहर विच आवां मेनु सुजान न सके लेकिन बीबी मैं और सुजान न सका किवें हो सकता है? फरमाया हालात बदल दिया पता नहीं लगता। छोड़ दिता सारा मजमून सन 60 हिजरी रोजा रसूल दा सलाम करके मौला दे कदम चुमे लेकिन मौला मैनु इजाजत है मेरे इमाम फरमाया ज़ुरैर हो सकता है मेरी नमाज वेख मुगी भाई जान नमाज लेकिन मौला तुहाडा सलाम सोना क़याम सोना मौला कोई खास गल है तुसा क्या मेरा रकू वेख मेरे इमाम फरमाए मैं इस वास्ते क्या जिदा मैं तेरे शहर में जाना है मैं रकू की हालत जा मौला अगले साल मदीने आवा कोई तोहफा मेरे इमाम फरमाए मैं कोई नहीं आना मौला तुसा ना हो सो अलमाला अब्बास ना हो सी अब्बास दा नाम आए फरमाए अब्बास दे आसरे ते वतन तो टुरना है। अच्छा मौला तुसा ना हो सो अलमाला अब्बास ना हो सी शबीए पैगंबर अकबर ता हो सी जेडे हल्के दे मातमी जंजीर जन बैठे हो अकबर दा नाम आए मेरे इमाम रुनिल फरमाए मैं अकबर दी जंज लै के करबला वंजना है। मुलाकात कदा हो सी मेरे इमाम फरमाए 5 रबीउल अव्वल तेरे शहर दे विच मौला कितने जवानां दा खाना मेरे इमाम फरमाए नाम बनावी मैं कई दिन दा रोजेदार हो सा मेरे इमाम फरमाए अद्धी जंज करबला अद्धी शाम वंजना है मौला कोई हुक्म परदादार तशरीफ फरमा ने मौला तुहाडे परदे महफूज रखे जिंदगी दा राज होवे तुहाडी दूर दूर तो सफर करके मज़लूमे करबला दा ज़िक्र सुनाए बैठे हो मौला कोई हुक्म मेरे इमाम फरमाए कर सके तां कुछ चादरा पीर अदर शाह जी चादरां दा जिस वेले नाम आए आंदे अल्लाह जाने किहड़ा राज है आ गया वतन सलाम कीता सो अतका दी पई है नगा खुश क्यों वें आंदे सैयद सजाद दे कदम चूमाया आंदी घोड़े ते जगह नहीं मैनू दस्सिया मैं तेरे नाल पैदल टुरदी की कर से मैं अली दियां दियां दी खिदमत करनी आंदे ना घबरा अगले साल सैयद सजाद अस्कलान पे आंदे आंदी मैं मौला दे कदम चूमसा मौला मैं मदीने वंजना है की कर से मैं अली दियां दियां दी खिदमत करनी सजी अली दियां दियां दा नाम आए डेकियां ने कल्ले नहीं नाल अली दियां दियां वी पई आंदियां आंदी तेनों पता नहीं मैं जानदी आं जड़ियां दियां मां दी कबर ते जान लगियां कई दफा साइयां कढ़दियां ने कुजा मदीना कुजा वादी अस्कलान सदके जावां मैं सदके जावां रुना है डेकियां ने कल्ले नहीं नाल अकबर दी बरात पई आंदी अकबर दी बरात दा नाम आए डेकियां ने पुछिया कितने जवानां दा खाना आंदा पुछिए मेरे इमाम फरमाए ना बनावी मैं कई दिन दा रोजेदार अल्लामान अल्लामान मरहबा मरहबा कितने इमामे फरमाया दी जान करबला दी शाम कोई हुक्म मेरे इमाम फरमाए जे कर सके दा कुछ चादरा चादरा दा भाई जान नाम आए बाजार गई बाजी कीमती चादरा लैके जिथे शादी होवे आ बिन बुलाए जावे बीबियां खणा सा तेनू नहीं बुलाया क्यों आई डेकियां दी नाराज ना होवे मेरे पुत्र दी शादी होई तुस ना आवे लेकिन मिन्नत करेंदियां 5 दड़ी चढ़े तुहाडे हत्थां ते मैं दी होवणा
अल्लामान 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 जिंदगी दराद होवे मैं बिस्मिल्लाह करा दिन दीरी दावट आई रजब दीदी कराई जिदा नाने दी उम्मत ने वतन छुड़ाया दो मोहरम नु करबला दा मोहरम बागे बतूल दे भाई जान लोटी पै गई जोहर दा वेला होए जल्दी दे नाल घबरा के उठी जुरैर दी पई नंगा डेकिया ने अजीब हालत बनाई हुई रोंदी क्यों आंदी मैं अजीब रंग दा ख्वाब कियो जिहा ख्वाब देखिया दी कोई खून दा दरिया नजर आंदा सजे वे नियां अकबर नु बरची लगी नजर आंदी ए खब्बे वे नियां गाजी दे बाजो अल्लामान अल्लामान जी जी करा जी अदादार मैं बिस्मिल्लाह करा जी बिस्मिल्लाह करा शामे गरीबां बाबा जी औखी गुजारी हत्थां दे विच रस्सी औखे ते बावे सौखे सफर यकम रबीउल अव्वल दा दिन चढ़े देखिया दी जुरैर मेरे करीब बंद कमरा घर दे विच देखिया दी पहले कमरे च मौला हुसैन ने बाण दूजे कमरे दीवारी आई अलमाले अब्बास ने बाने त्रीजे कमरे दीवारी आई सैयद सजाद ने बाने चौथे कमरे दीवारी आई शबीए पैगंबर अकबर ने बाने उस वेले बाबा जी देखिया दी मेहरबानी कर नाराज नौमी अखी बंद कर आंदे घर भी मेरा वे अखी बंद क्यों करा देखिया दी पहले चौं जली दिया पुत्रा ने बाने पंजे च पुत्रा नहीं अली दिया दिया अल्लामान अल्लामान सिर दा पुरसा भई अदादार तशरीफ फरमाओ माहौल ही कोई होर बन गया जी जिंदगी दा राज होवे दिन दीरी दावतां जिस जुमले दा भाई जान हुक्म बाबा जी जिंदगी दा कोई पता नहीं अल्लाह जाने दा साल कोई होवे या ना होवे पंज रबीउल अव्वल दा बाबा जी दिन चढ़े जल्दी दे नाल बाजार च तबल वजने शुरू होए सज्जे वेंदा है वद खब्बे वेंद उस पासे टुर पे जिथे ऐलान होए जो बागी आ गए हर सांग दे वेखी चुपरे जिन्हां दी झोली दे विच छोटी औलाद है परदादा तशरीफ फरमाओ ओ सांग दे कोल आए जिहड़ा मां नूं मां नहीं छड़ सकदा हथ पा के आंदा कुठा राए खुदा मैनूं डसा केड़े जुरम च कुटाए हैदर करार दे पोतरे तारफ कराए रोंदा होया घर आए हथ कदी पई नंगा टेकिया ने रोंदा क्यों अजीब हालत बनाई टेकिया ने बाजार च कोई अजीब रंग दा मंजर वेखाया फरमाए कियो जिहा मंजर और के आंदे कोई दूर तो जड़ के काफलाए ते अज साडे शहर विचाले मजलूमां दे सरने दियां ते हिन मावां बैणा अगली गल देख आंदे एक छोटी सांग जी 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 अजादार जी करा जी अजादार मैं बिस्मिल्लाह करा अच्छा नहीं पढ़दा देख आंदी जल्दी कर बाजार जा पुछ के आ कित्थां दे वसदे चंद कदम दूर आई सैयद बाकर दी पई नंगा डेके ने बाबा इंज लगदा है जिवें चाचा जुरैर सैयदा तुहाडी नगरी दा मेहमान मिन्नत करे ना दुआ मंगिया करो इंशाल्लाह कोई उजड़ के आवे सुजाण नाला कोई ना होवे अगर सुजाण नाला होवे मावां भैणां नाल कैद ना होण ऊं वेले चंद कदम दूर आई पई नंगा सैयद अजान शुरू होई अल्लाह जुमला मुंह चो निकलिया अल्लाहु अकबर सैयद सजाद दी आवाज आई मन गया तेरे तो वड्डा बुजुर्ग कोई नहीं जड़े वेले मौज़न आख्या जादो अल्लाह इला गए लल्ला चौं सालां दी मासूमा बदे हत्थां दे नाल आसमान आले पासे मुंह फेर गए रो रो के फरमाए मेरे अल्लाह मौके दा गवाए या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा जी जी करा मोगी अजान कोला कहंदे मेरा सलाम जी मेरा भी सलाम कित्थां दा वसदा है अमन दा शहर मदीना मोहल्ला मोहल्ला बनी हाशम देखिया ने मुहम्मद नूं जान ले सैयद फरमाए जिवें मैं जानदा नहीं कोई नहीं जानदा अली नूं जान ले फरमाए जिवें मैं जानदा नहीं कोई नहीं जानदा उस वेले पीर अदर शाह जी में हथ बलने देखिया ने मेरे पीर दे शहर दा रहण वाले मेरे पीरां नूं जान मेहरबानी कर सांगा लै के मेरे घर च जिहड़े वेले सांगा लै के घर च कदम रखे आए हथ कदी पईए नंगा सैयद सजाद चेहरे देखिया दी बंदा खुदा पानी रोंदे ते बड़े वेखे ने रात रोंदा अल्लामान 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 जिंदगी दराज होए जी करा मैं बिस्मिल्लाह करा मलका जंजबार बीबी दे कोल आई देखिया दी बीबी नाराज ना होई मैनू डसा इस काफले दी सलार बीबी फरमाए मेरी कंड दे बिच हथ बन गया दी नाराज नौवीं
मैं कुछ पूछना जानी अली दीदी बदहता दे नाल ही मैं बाल हटाए फरमाए पूछ की पूछना जानी रो रो के आंदी केड़े मुलाक तू जड़े के आई है कैदा ते करवा मैं को पहचाने रात रोमन वाला। उस वेले अली दीदी फरमाए मेरे पुत्र मारे गए बेरा मारे गए मिनो किसे रोमन नहीं दिता इजाजत है एक वैन करके रोवा टेकियां दी बीबी राज के वैन कार। उस वेले पहला वैन कीता है वादी इस कलां च जलजला आ गए और रो के फरमाए शबीर बहन रोल गई आई टेकियां दी कोई होर बराई ताऊंदा ना जा फरमाए अब्बास बहन रोल गई आई टेकियां दी कोई पुत्र आई ताऊंदा ना जा फरमाए सजाद मार रोल गई आई। उस वेले कदमा ते जान बई देखियां दी कोई होर पुत्र आई ताऊंदा ना जा उस वेले ओंदे चेहरे ते पई नंगा जिनू 18 साल भुर गया जबाली और रो के आंदी अकबर ला लम्मा रोल गई आई। जी 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 अगर होवे इजाजत मातमी अज़ादारां दी मैं वैन सुनावा जिस वैन दा शमसी पीर दा हुक्म है। जी मातमी जी बिस्मिल्लाह करा जिंदगी दा कोई पता नहीं अल्लाह जाने दा साल कोई होवे या ना होवे ऊं वेले मैं हाथ बनले देखियां दी मेहरबानी कर मैनू दसा तू कौन है। अली दीदी फरमाए पहचानत का मैं ज़ैनब हां अल्लामान 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 चादर लहा क्यों वेले कदमा ते रखी देखियां दी एक सवाल ज्यादा नहीं एक सवाल अली दीदी 18 बरा बेरा किन गे नी अली दीदी 18 बेरा इनी बेरा किन गे नी। उस वेले अली दीदी जेड़ा तारफ कराए बदे हथां दे नाल रो रो के फरमाए मुक मान गे बेरावां दे मैं नसाल अपनी कोहा माता फरमाए मुक मान गे बेरामां दे मैं नसाल अपनी कोहाइयां अगली गल देखियां ने मेरे गाजी जे। अच्छा दियो इजाजत जेड़े हल्के ते मातमी जंजीर जी करा जल्दी दे नालों मिल कोल आई देखियां दी मैनूं दसा अकबर दी मां जिंदा है या मर गई अकबर दी मां जिंदा है या मर गई। बीबी फरमाए मेरी कंड दे विच हाथ बन के आंदी नाराज ना होई एक गल दा जवाब केड़ी गल दा जवाब 18 सालां दा अकबर सांग ते कीवें चढ़िया है औखा सवाल कीता है फरमाए 18 सालां दा अकबर सांग ते कीवें चढ़िया है। उस वेले अकबर दी मां जड़ा तारफ कराए और रो रो के फरमाए इंदे सीने विच पल भर छिदा मैं डिटाए अखियां जिगर ते खून अल्लाह लानतुल्लाह कुम जालिमीन मौला पुरसा कबूल फरमा।